सर अब हमने बड़े हौसले से चीखों पुकार सुनी और मुझे यकीन है कि हमारी बात भी हौसले से सुनी जाएगी। जनाब वाला, इस चीखों पुकार में मुझे जो दो चार लफ्ज समझ आए, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दूं। मुझे पहले शुरू में समझ नहीं आता था कि ये बातें आराम से भी की जा सकती हैं, इस अंदाज से भी की जा सकती हैं कि लोगों को समझ में आए, लेकिन अब ये चीखो पुकार किस तरह और क्यों आदत बनी ये मुझे बाद में पता चला कि हर वक्त चीखते रहने का मसला क्या है। जहन पर भारी असरात है माजी। बात इतनी थी सर। आप एक जो आपका है, मैं इसको हौसला रखे। मैं जनाब एक्सपंज करता हूँ, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ। अगर इस तरह किसको सर, किस चीज को? मतलब देखिए, आप एक शख्स के बारे में जो मैंने किसी के लिए है, उसके बारे में आप कोई बात ना करें कि वो सर। अगर इस तरह से सर मेरा सर अपनी बात करें प्लीज, अपनी बात सर। देखिए मैं, आप मुझे तमीज करने देंगे तो मैं बात करूंगा। आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें। आप जी मुझे मुझे चुप कराना इस तरह के 50 लोगों का काम भी नहीं। मैं फिर कहता हूं कि मैं ऐसे 100 पर भी बारी हूं। मैं ऐवान में बिल्कुल कार्रवाई जिस तरह होती है उस तरह बात करना चाहता हूं। मुझे मजबूर न करें कि मैं इस ऐवान को मछली बाजार बनाऊं आपकी तरह। नो क्रॉस टॉक, मुझे भी आता है इस तरह। आप प्लीज आप बात करें, बात करें जनाब वाला। ये रोजाना खड़े होकर अली जी बेटा है, इसको हम मौका देंगे ताकि वो भी अपनी दिल की बात करे, ताकि तसल्ली से एक दूसरे को सुने। बिस्मिल्लाह जी, होनी चाहिए सर बातचीत, होनी चाहिए, हौसला रखे सर। रोजाना खड़े होकर मुख्तलिफ तरीकों से अपोजिशन को टॉन्ट करना, ऐसे जुमले कहना कि जिनका कोई वजूद ना हो, जिनकी कोई सच्चाई ना हो, और उस पर अपनी पॉइंट स्कोरिंग करना और चीख चिल्लाकर यह समझना कि शायद हम कोई बहुत बड़े मुकर्रर हैं, या दो चार करीब के लोग कह दें कि वाजीवा आपने कमाल किया, तो इस गुमान और ख्याल से बाहर निकलें। 13 माह आपको हो गए हैं हुकूमत में। आज भी मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान के साथ पूरी तरह खड़ा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने सिंध के कौम परस्तों का रास्ता रोके रखा कि वो वफाक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक की अलामत और चारों सूबों की जंजीर ना होती तो सिंध की कौम परस्त तहरीकें वो स्पेस हासिल कर लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर, 2-3 नस्लों की कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान और वफाक को बचाया है। आपको सियासत में आए हुए जितने दिन गुजरे हैं, हमारी जलावतनी और जेलें उतनी हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बजा तौर पर कहा कि अगर दौरे जदीद के शरीफुद्दीन पीरजादा 149 बगैर किसी मकसद के और कचरा, ये 2-3 इदारों का झगड़ा और कचरे पर 149, जनाबे वाला कराची अलग करने का ख्वाब अल्ताफ हुसैन ने देखा था। ये इसके कायदे, इसके अल्लामा इकबाल अल्ताफ हुसैन थे। और मैं चाहूंगा क्रॉस टॉक नहीं प्लीज प्लीज, और मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब इसके कायदे आजम इस ख्वाब के न बने। क्यों आप भूल जाते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं कि लंदन की एपीसी तारीख है, उस पर हर बात पर इत्तफाक हुआ, लेकिन खान साहब और मोहतरमा के दरमियान एक बात पर इत्तफाक नहीं हुआ था। मोहतरमा ने कहा था, बल्कि खान साहब का कहना यह था कि एमक्यूएम
से किसी तौर पर कोई सियासी पार्टी इस एपीसी की ना ताल्लुक रखे, ना बात करे, ना इताअत करे, ना हुकूमत में आए तो उसे अपने साथ रखे, इनको सियासी पार्टी नहीं समझना चाहिए। ये खान साहब का बयानिया था, तारीख उठाकर देख ले। मोहतरमा का कहना था कि हम एमक्यूएम के अस्करी विंग के साथ नहीं, सियासी विंग के साथ जरूर बात करेंगे। आज उस बयानिए पर शहीद बीबी के बताएं कौन खड़ा है, आज आप उनके साथ हैं अपने बयानिए के खिलाफ, और हमारी शहीद मोहतरमा के बयानिए पर आप अमल कर रहे हैं। बयानिया आपका था या नहीं? अगर हो तो तारीख मुझे गलत कर दें आप। जनाबे वाला बयानात और भी आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर आप 149, पहले तो आपने कहा था जी हम सिंध गवर्नमेंट पलट देंगे, हमारे एक वजीर का बयान था और वो सिंध गए भी थे इनकलाब लाने, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 149 सर आपके सामने रखा है। पहली क्लास ये कि सूबा वफाक में मुदाखलत नहीं करेगा, हमने नहीं की। दूसरी क्लास कहती है कि जनाब कौमी और फौजी तनसीबात उस पर वफाक डायरेक्शन दे सकता है, मुझे बर जुबानी याद है 149, हमने कोई सा काम नहीं किया। तीसरी शक कहती है कि लाइन आर्डर और मालियात उस पर वफाक डायरेक्शन दे सकता है, अल्लाह का शुक्र है रेवेन्यू सबसे ज्यादा तीनों सूबों के मुकाबले में सिंध ने कलेक्ट किया और अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर है। तो 149 का कोई बनता नहीं था, ये तो बेकार में आप सबको, आप क्यों भूल जाते हो वो दिन जनाब, पहले 30 साल आर्टिकल AK-47 से कराची चलाया जाता था, आर्टिकल AK-47 कलाशनकोफ, और उसके बाद अब जब कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने जब कराची को आजाद कराया तो वो AK-47 वालों के नुमाइंदे जो बराए नाम वहां के नुमाइंदे हैं दौरे जदीद के मौजूदा शरीफुद्दीन पीरजादा, वो आर्टिकल 149 लेकर आ गए। और मैं हैरान हूं कि दोस्त उसकी वकालत कर रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं कि एक एक दिन में एक एक 100 लोग मारे जाते थे, कराची में किसी सड़क से आप गुजर नहीं सकते थे। आज आप फिर उस बात को अमली जामा और इन लोगों को अमली पजामा पहनाने जा रहे हैं, ये कहां की अकलमंदी है जनाब वाला? नहीं सर, मेरी बात अभी मुख्तसर आप सुनेंगे सर प्लीज। बयान इमरान खान न्याजी साहब का भी आया, खुदा की कसम क्या लीडर मिले जनाब। जब वो तारीख पे बात करें तो दुनिया के सारे तारीखदान सर धुनते रह जाते हैं, कहते हैं हजरत मूसा का तारीख में जिक्र ही नहीं, वो कुरान में भी 30 बार से ज्यादा आए। जब खान साहब जुग्राफिया पे बात करें तो कहते हैं जर्मनी और जापान एक साथ है, अल्लाह अकबर। अब फलसफे पे बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर और उमर खयाम में उनको कोई फर्क नजर नहीं आता। एक अरब दरख्त तो उन्होंने सरदार आपके सूबे में लगा दिए, आप अपने सूबे का रकबा तो बताइए, ऐसा लगता है पहाड़ों नहरों घरों और हर आदमी के सर में भी दरख्त लगा हुआ है, एक अरब दरख्त। ये कौन सी आपको कौन सी हिकमत है और उनका एक बयान? अगर आपको कोई मौका हो तो अच्छा, आपको वेलकम करते हैं, आ जाए। अगर आप काफी मेरी बात आपको वेलकम करते हैं, मेरी बात सुन रहे। अब वो बयान देते हैं कि यू टर्न, वो कहते हैं कि यू टर्न तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे फख्र है कि मैं यू टर्न का वजीर आजम हूं। अब सर हम बर्तानिया से पीछे नहीं है, एक आलमी साइंसदान न्यूटन बर्तानिया ने दिया था दुनिया को, हमने यू टर्न दे दिया है। थैंक यू सर, मैं मेरी बात तो सुन बस सर, जब आप कभी कभी तो बोलते हैं सर, अभी कभी कभी तो थोड़ी सी बात। अब सर हम तो भी जो है, अब हम भी जो है कह सकते हैं
कि बर्तानिया ने न्यूटन दिया था, हमने यूटर्न दे दिया है। अब एक और बात जो सबसे खतरनाक है सर, आप और हमें सोचना होगा, आजम ये कहता है कि मैं रा को दावत देता हूं कि आओ चेक करो रा को। वो कहते हैं हमने जब मोदी से मुलाकात की तो मैंने कहा कि रा को भेजो आए चेक करें, हमने दहशतगर्दों की मदद करना छोड़ दिए। सर हम रा को भी अब इजाजत देते हैं, हमारी सिक्योरिटी कहां गई? थैंक यू जनाब। सर वाइंड अप प्लीज। अभी सर अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है। वाइंड अप प्लीज, आगे आगे देखिए। वाइंड अप प्लीज। सर मैं रोजाना सुनता हूं, जवाब देना बड़े अच्छी तरीके से आता है, कमजोरी ना समझा जाए। हम ऐवान के माहौल को खराब नहीं करना चाहते, सिर्फ इस वजह से कम बोलते हैं सर, कम बोलते हैं। अब जनाब आप आ जाएं, भारत का मिशन चांद पे भेजने का, रॉकेट को भेजा वो फेल हो गया, अल्लाह करे फेल हो, वो एक मिशन खला में फेल हो गया तो यहां लुढ़ियां पा रहे थे हम, पानी भी चाहिए। वो एक मिशन खला में फेल हुआ और पूरी हमारी खलाई मखलूक का मिशन यहां पे फेल हो गया है, इस पर हम क्या करें सर? इस पर भी तो कोई बात करे। थैंक यू। ये अच्छा सर, मैं वाइंड अप करते हुए, सर खुदा की कसम कश्मीर इस तरह कंसर्ट कॉन्सर्ट के जरिए आजाद नहीं होगा सर, मैं आपको सही बताऊं। ये जो कॉन्सर्ट हम अदाकारों और इनको ले जा रहे हैं सर, सियासी जमातों को एतमाद, एपीसी बुलाए कश्मीर की बात। आप देखिए आप सबको कल जो है ना उसमें दावत है कि कल आप बड़ी अच्छी बात है, तमाम पार्टी। देखिए सर मेरी एक बात करने से कितना कौम को फायदा हो गया सर। अब मुझे आप बात करने दें सर। देखिए ये ट्रंप के पास से जब आप आए तो वजीर एक दूसरे को कुश्ती के दाव लगा रहे थे, पहले हार में पहनाऊं, पहले हार में पहनाऊं। वो बोला हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे तो पीछे ने मोदी ने हमारा कश्मीर ले लिया। थैंक यू। और ट्रंप ने हरी झंडी दिखा दी। सर थोड़ा सुन तो ले। नहीं बस खत्म करें जी। अली जी साहब बस वाइंड अप कर प्लीज, वाइंड अप कर, वाइंड अप कर प्लीज, वाइंड अप कर ले सर। 45 अफराद सर कराची में बिजली का करंट लगने से हलाक हुए उस नकवी के अब्राज की के इलेक्ट्रिक से, जो फाइनेंसर था और पकड़ा गया है, उसने आपका नाम दिया है, आप जिम्मेदार हैं उन हलाकतों के। और आपको बता दूं कि सिंध में हर जुबान पर एक बात है कि सिंधी तेज सर केर नींदो सांदो केर मयारू यार। खुदा की कसम फिर कहते हैं कि हमारे सिंध को किसी ने, किसी शरीफुद्दीन पीरजादा हो या आपके वजीर कानून हो, क्या नाम है फारूक नसीम भाई हमारा, ऐसी बातें ना करो। मैंने पहले कहा था, अभी हेमू कालानी और होश मोहम्मद सीदी से वास्ता तुम्हारा नहीं पड़ा, और दुआ करो कि ना पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आखिरी बात सर, के मर जाएंगे, सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, कोई कानून ऐसा नहीं। अली जैदी साहब, अली जैदी साहब, अली जैदी, अली जैदी प्लीज, अली जैदी प्लीज, अली जैदी, अली जैदी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, अली जैदी मैं आपसे डर के आज आपको दे रहा हूँ, मुझे पता चला है कि उस दिन आपने बड़ा शोर मचाया है, तो अली जैदी साहब प्लीज। सर मैं भी शोर मचाऊंगा। मैंने शोर इसलिए मचाया था कि ये देखें, इन पे ताकत नहीं है बात करने सुनने की। अच्छा स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं जरा धीमे धीमे से बात करता हूँ, क्योंकि वो जब शेर लड़कारता है हमारा मुराद सईद तो लोगों को डर लग जाता है, तो मैं ऐसा ऐसा बात